Daringabari, the Kashmir of Orissa. What's up, loving people? Hope you're doing well. Welcome to the Roshan Sketches blog with the Man Samma. Let's start the blog. So, guys, सबसे पहले मैं आपको wish करूँगा, wish you a happy new year, guys. और ये साल 2021 आपके लिए काफी happiness और काफी prosperity लेके आए, काफी success लेके आए, guys. मैं आता यही pray करूँगा, guys, आप सबके लिए. और ये वाला video 2021 का first video होने वाला है, तो इसको बहुत भरपूर तरीके से प्यार दीजिए ना. और पुराने जितने भी वीडियोस थे उसमें मेरे को कम व्यूज़ मिल रहे थे, कम थोड़ा सा मतलब लेट में व्यूज़ मिल रहे थे, तो ये नहीं होना चाहिए इस बार, है ना. इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए. वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस, क्योंकि अगर वो शेयर करेंगे, वो भी देखेंगे, तो इवेंचुअली उनको भी पसंद आएगा और ज़्यादा वीडियो जाएगा, बहुत लोगों के पास जाएगा, तो वॉच टाइम बढ़ेगा और इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट मिलेगा. इवन आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस, बिकॉज मुझे 1000 सब्सक्राइबर का 1 माइलस्टोन का काफ़ी ज़्यादा नीड है ना. और उसके बाद मैं गिव अवे भी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ. और ये वाला वीडियो को खास करके प्लीज़ लाइक करके मत छोड़िएगा, है ना. आप अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें. जब आप फ्री हो रहे हैं, प्रॉपरली वीडियो को फुल देखें. अगर अच्छा लग रहा है देन लाइक कीजिए. तो गाइस, ये वाला ब्लॉग जो होने वाला है काफ़ी थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग वाला होने वाला है, तो इन्जॉय कीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है. तो विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को स्टार्ट कर दे गाइस, ठीक है. कि प्लान कैसे बना, प्लान बना है मम्मी के कारण, बिकॉज माई मम्मा इज सो एक्साइटेड टू विजिट टू दारिंगाबाड़ी. वो अपने चाइल्डहुड से और मेरे चाइल्डहुड से, जब मैं छोटा था तब से वो कहते आ रहे थे कि दारिंगाबाड़ी जाना है और वहाँ विजिट करना है, क्योंकि वहाँ बहुत सुना है कि स्नोफॉल होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, कश्मीर जैसा प्लेस है. इवेंचुअली वी हैव वेंट टू कश्मीर ऑल्सो. हम लोग पहले से कश्मीर जा चुके हैं, बट फिर भी हमारा एक अंदर से तलब था कि नहीं, उड़ीसा के अंदर अगर स्नोफॉल होता है, ऐसा कश्मीर जैसा सीन है, तो डेफिनेटली वी विल विजिट टू दारिंगाबाड़ी. और इवन लॉकडाउन के कारण वो काफ़ी सारे वीमेंस जो है वो घर पे स्टक होकर रह गए थे, जिसके कारण वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इवेंचुअली वो कहाँ टूर नहीं कर पा रहे थे. सो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हमको जाना है, और वी हैव वेंट. और हम कौन कौन गए थे, सबसे पहले तो मैं, भाई, ठीक है, हैच को लेके गए थे, साथ में मम्मी पापा और अंकल. ये हैच है और ये व्लॉग टाइम में बीच में आ गया है डिस्टर्ब करने के लिए. हाय बोल दे उधर, हाय बोल दो हैचू, हैच, हाय बोल दे उधर. इसको मैं छोड़ के आता हूँ, ठीक है. अच्छा ना, है कितना फ्रेश दिख रहा है देखो. दारिंगाबाड़ी झारसोड़ा से अराउंड 300 किलोमीटर है, और आपको ये संबलपुर सोनपुर होके जाना पड़ता है, ठीक है. काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हम लोग दारिंगाबाड़ी निकल गए थे झारसोड़ा से. सो वी हैवन टेक एनी ब्रेकफास्ट, सो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नायक होटल विजिट किए थे. सारे चॉकलेट्स एंड केक्स थे वहाँ पे, तो माय मम्मा हैव टेकन सम केक्स फॉर अस. हम लोग केक लिए और इवन काफ़ी सारे चॉकलेट लेके गए गाइस, ताकि ट्रिप में जर्नी में मज़ेदार मज़ा आते रहे, बनते रहे. सो गाइस, आफ्टर नायक होटल हमारा सेकंड स्टॉपेज पॉइंट था मेटाकानी टेंपल के पास, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो चुका था और थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था. और इवन हैच को भी भूख लगने लग गया था, उसका भी टाइमिंग हो गया था फीडिंग का. मेटाकानी टेंपल के जस्ट फ्रंट पे ही हम लोग रुके और वहाँ पे कुछ खाना भी खा लिया, और इवन मंदिर भी था साइड पे, तो उनका भी दर्शन ले लिया. थोड़ा सा फ्रेश अप हो गया वहाँ पे एकदम. मेटाकानी टेम्पल के बाद हम लोग जालीसुंगड़ा और कंदामाल की ओर पहुंच गए, है ना. ये जो प्लेस है काफी रॉटेंड एरिया है, काफी हिल्स है, और हिल्स छोड़ के आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है, मतलब खाइल्स वगैरह है, ठीक है. और यहाँ पे आपको आर्मी का बेस कैंप मिलता है, बिकॉज ये है थोड़ा सा माओवादी एरिया टाइप का. तो अगर आप दारिंगाबाड़ी जाते हैं तो आपको ये वाला एरिया क्रॉस करके जाना पड़ता है. तो अगर वो ज़्यादा इवनिंग हो जाता है, तो दे वोंट बी अलाउ यू टू पास फ्रॉम दैट रूट. पासिंग टाइम मॉर्निंग पे रहता है और इवनिंग 6:30 बजे तक. अगर वहाँ रात हो जाता है तो आपको फिर वहाँ से पास होने नहीं देंगे. इसको क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँच गए बालीगुड़ा, और बालीगुड़ा पे हम लोग ने किया लंच.
क्योंकि ये भी काफी लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलिंग हो चुका था और हमको भूख लगने लग गया था, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट लंच करते साथ ही उसके बाद हम लोग पहुंच गए डायरेक्ट दारिंगबाड़ी की ओर। तो दारिंगबाड़ी हम लोग अराउंड 5:30 को हम लोग रीच किए वहां पे, और वहां पे रीच करते साथ ही हमारे जो अंकल थे उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे पास पे पहुंचते साथ ही पहले हिल पॉइंट व्यू आता है, नेचर पार्क आता है और पाइन फॉरेस्ट आता है, तो पहले ये तीन चीज। आपका वर्तमान स्थान दारिंगबाड़ी गोपालपुर रोड दारिंगबाड़ी ओडिशा 76204 है। आज के लिए आए और लॉज यहाँ पे मिलना है यार गाइस काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये फुली टूरिस्ट प्लेस है। आप कभी भी यहाँ आते हैं तो रिमार्क दैट कि आप पहले यहाँ पे कुछ बुकिंग वगैरह अर्लियर बेसिस पे कर लिया कीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ए पर डे का एक रूम का देवा चार्जिंग 2000 चार्ज करें, वो भी बस ऑर्डिनरी रूम है। आज हम लोग का कुछ दूसरा प्लानिंग बनेगा जैसे कि कॉफी गार्डन वगैरह हो गया। से असली कुर्सी दे यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी लेट पे ब्रेकफास्ट होता है, 7:30 हो चुका है, बट यहाँ पे प्रॉपरली शॉप्स खुले नहीं है, होटल्स खुले नहीं है इवेंचुअली, और काफ़ी देर हो जाता है ना। बट मेरे पापा यहाँ आधा इडली कंप्लीट कर चुके हैं। मम्मी रेशम और अंकल सो गाइस एक्चुअली यहाँ पे सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है यार। अगर आप यहाँ कुछ खाते हैं तो मतलब आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि आप व्हाट यू आर हैविंग दैट ना, फिर उनको बाद में बताना पड़ता है कि आपने ये खाया। खाने का तो है कोई बहुत कुछ खा लेता है ना, और इवन मैं कैसा खाता हूँ, मैं हर टाइम कुछ मेरे लिए नहीं मंगाता, जो मम्मी पापा या फिर भाई का जो थोड़ा थोड़ा रहता है ना मैं उसी से डिवाइड करके खाता हूँ। तो इन लोग बोलते हैं कि आपने कौन सा प्लेट में क्या खाया, आपने कौन सा प्लेट में खाया, तो इट लिटिल बिल से कन्फ्यूजन फॉर अस कि मतलब क्या बताएं इनको, तो थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अलग है। वाटरफॉल चिड़िका वाटरफॉल जो कि सीक्रेट वाटरफॉल है दारिंगबाड़ी का, तो हम लोग वहाँ चलने लगे, और वहाँ जाते साथ ही सबसे पहले हमको तो सनसेट व्यू पॉइंट मिला, तो हम लोग सनसेट व्यू पॉइंट का हम लोग ने शॉट्स ले लिए, कैप्चर ले लिए, काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्लेस था वहाँ पे, सनसेट एंड सनराइज काफ़ी अच्छा दिखता है। वाटरफॉल की ओर पहुँच चुके हैं और ये मेरा भाई रेशम, हेलो गाइस, ये प्रैंकस्टार बॉयज वाला रेशम फिल्म। सो गाइस दिस इज हैंडमेड चेयर और ये पूरे वुड से बना हुआ है ऐसा बैठने के लिए, क्या घर के नहीं बना हुआ है। चलो आगे चलते हैं। Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun, where the roses.
feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running. गार्डन की ओर चले. कॉफी गार्डन जैसे हम लोग आ रहे हैं वहां पे काफी ब्यूटीफुल सा प्लेस दिख रहा है. कई कई जगह पाइन फॉरेस्ट वगैरह भी दिख रहे हैं और ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस काफी ब्यूटीफुल था. काफी अच्छे अच्छे सीन्स हैं. तो हम लोग आते वक्त फिर डायरेक्टली कॉफी गार्डन के अंदर घुसे. कॉफी गार्डन में बहुत सारे बाहर मतलब स्टॉल्स बैठा हुए थे जहाँ पे आपको दालचीनी वगैरह मिल रहा था, कॉफी मिल रहा था और चेरीज, किशमिश, काजू, ये सारी चीज मतलब स्टॉल्स आपको बाहर में मिल रहे थे. माइथोलॉजिकल बुक्स में जो रामायण का स्टोरी आपने देखा होगा जहाँ पे राम जी जब लंका जा रहे थे तो जो पत्थर वो जो तैर रहे थे वो पत्थर भी वहाँ था. तो मैंने उसका भी शॉट लिया. वहाँ पे काफ़ी सारे रैबिट्स थे उनका भी मैंने शॉट लिया. उसके बाद डायरेक्टली कॉफी का गाइस, लास्ट हमारा विजिटिंग पॉइंट था लवर्स पॉइंट. वहाँ पे वाटरफॉल है मतलब और काफी अच्छा प्लेस था. वो भी एक पिकनिक स्पॉट के लिए था. तो हम लोग फिर उसके बाद डायरेक्ट लवर्स पॉइंट गए. वहाँ पे जो वाटर स्ट्रीम्स हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, वो उसको मैंने कैप्चर किया. साथ में काफी सारे क्राउड थे, काफी सारे पिकनिक के लिए लोग गए थे. हमारा ट्रिप था दारिंगबाड़ी की ओर. तो मैं इसका कुछ सीक्रेट चीज आपको मैं शेयर करता हूँ. दारिंगबाड़ी जाने से पहले 4 दिन पहले से मैंने न्यूज में देखा था कि दारिंगबाड़ी में स्नोफॉल हुआ है. बट वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है गाइस, क्योंकि वहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस था. हाँ, माइनस पे टेम्परेचर जाता है. ओस ड्रॉप्स रहते हैं, वो ठंडा के कारण फ्रीज हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा था. ठीक है, लेकिन स्नोफॉल वहाँ पे नहीं होता है. कुछ कुछ सीन ऐसे हैं जैसे कि पाइन फॉरेस्ट देखते हैं, माउंटेन हिल पॉइंट व्यू जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कश्मीर का फीलिंग होगा. फैमिली मेंबर्स के साथ काफी लॉन्ग ट्रिप हम लोग गए, काफी अच्छा लगा. और फोटोशूट्स वगैरह तो डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे किए हैं. मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, इवन मैं लिंक पे आपको शेयर कर दूंगा. मेरे इंस्टाग्राम पे आप विजिट होकर देख सकते हैं. वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपनों की केयर कीजिए गाइस. एंड गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट वन. ठीक है, और गाइस प्लीज जो नया है विजिट किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कंटेंट बना रहा हूँ, आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना. तो थोड़ा मेरा एफर्ट्स को थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है गाइस, थोड़ा मुझे भी चाहिएगा यार, आप समझ सकते हैं, है ना. तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए गाइस. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे. टिल देन बाय बाय.